अनएक्सपेक्टेड हेल्प. ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर ए बी सी सॉल्व किया था. आज अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. अपने को क्या करना है, इन ब्लैंक्स में सुटेबल एडजेक्टिव फिल करना है बॉक्स की हेल्प से. माई नेबर्स आर वेरी नॉइस. ठीक है, वेरी नॉइस. सेकेंड, सीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीटी गर्ल, बिग गर्ल या इंटेलिजेंट गर्ल. क्या आएगा इसमें, सीना इज ए प्रीटी गर्ल. ओके, नेक्स्ट देखिए, रोहन इज एन बॉय. ब्यूटीफुल बॉय, बिग बॉय या इंटेलिजेंट बॉय. क्या आएगा इसमें, इसमें एडजेक्टिव कौन सा आएगा, इंटेलिजेंट बॉय. द कॉफी इज वेरी हॉट, ब्यूटीफुल या बिग. क्या आएगा इसमें, कॉफी इज वेरी हॉट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई मदर हैज ए साड़ी. यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूटीफुल साड़ी या बिग साड़ी. क्या आएगा दोनों में से, ब्यूटीफुल साड़ी. दिस इज ए ट्री, बिग ट्री. दिस इज ए बिग ट्री या इंटेलिजेंट ट्री. क्या आएगा इसमें, दिस इज ए बिग ट्री. दिस इज ए बिग ट्री. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एफ. अंडरलाइन एंड राइट द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइबिंग द कलर्ड वर्ड्स. यहाँ पे जो कलर्ड वर्ड में जो नाउन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि जो उसका एडजेक्टिव क्या होगा. ठीक है, तो गीता इज वेयरिंग ए पिंक ड्रेस. ड्रेस कैसी है, पिंक है, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, पिंक होगा. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पिंक, और पिंक पर अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, सेकंड देखिए, द प्लांट हैज येलो फ्लावर. फ्लावर कैसे है, येलो, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, येलो. येलो पर अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे येलो. माई ब्रदर इज नॉटी. ब्रदर कैसा है, नॉटी, तो ब्रदर का एडजेक्टिव क्या होगा, नॉटी. NAUGHTY, नॉटी. ठीक है, और इस पर अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट, द जार इज एम्प्टी. तो जार कैसा है, एम्प्टी है. यहाँ पे जो है इसका एडजेक्टिव होगा एम्प्टी, और यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे. द टॉर्टोइज इज स्लो. टॉर्टोइज इज स्लो. टॉर्टोइज कैसे चल रहा है, स्लो. तो स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, तो राइट करेंगे अपन स्लो. नेक्स्ट, द नाइट इज डार्क. नाइट कैसी है, डार्क है, तो डार्क क्या है, इसका एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, रोहित इज ए स्मार्ट बॉय. कैसा बॉय है रोहित, स्मार्ट है, इसका एडजेक्टिव होगा स्मार्ट. रिधिमा इज ए स्वीट गर्ल. गर्ल कैसी है रिधिमा, स्वीट है, तो स्वीट क्या है, इसका एडजेक्टिव है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एड वन और टू लेटर्स बिफोर द गिवन वर्ड्स टू मेक ए न्यू वर्ड्स. अपने पास जो वर्ड दिए हुए हैं, इनसे पहले इनके बिफोर में वन या टू लेटर राइट करने हैं और एक नया वर्ड बनाना है. तो ए टी ई, इससे नया वर्ड अपन क्या बना सकते हैं,
एल ए टी ई लेट। सेकंड देखिए ए डबल एल, इससे नया वर्ड क्या बनाएंगे अपन, टी डबल एल, टी ए डबल एल। नेक्स्ट देखिए ई ए आर, ई ए आर, इससे न्यू वर्ड क्या बनाएंगे, एन ई ए आर, नियर, नियर बन गया। ई ए एस ई, ई ए एस ई, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पे टी राइट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी ई ए एस ई, दिस। ओके ए बी एल ई, यहाँ पर क्या राइट करेंगे, टी, अभी क्या बन गया, टी ए बी एल ई, टेबल। ए आई आर, एयर, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एफ, एफ ए आई आर, पेयर। ठीक है, तो ये न्यू वर्ड बन गया। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन जी, मेक फाइव न्यू वर्ड फ्रॉम द वर्ड वेजिटेबल। एक वर्ड दिया हुआ है वेजिटेबल, वेजिटेबल से अपने को फाइव वर्ड बनाने हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं वेजिटेबल से फाइव वर्ड, जी ई टी गेट, जी ई टी गेट। नेक्स्ट वर्ड टी ए बी एल ई टेबल, टी ए बी एल ई टेबल। और क्या बन सकता है, ए बी एल ई एबल, ए बी एल ई एबल। और क्या बनाएंगे, ए जी ई एज, ए ई जी ई एज, ए जी ई एज। और नेक्स्ट वर्ड क्या बना सकते हैं, जी ए वी ई गैव, जी ए वी ई गैव। ठीक है, तो ये वर्ड, वन वर्ड से अपन ने फाइव वर्ड बना दिए। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्टोइज एंड स्लॉथ आर टू एनिमल विच मूव वेरी स्लोली। टॉर्टोइज और जो स्लॉथ था, टॉर्टोइज और स्लॉथ थे टू एनिमल जो थे, टॉर्टोइज एंड स्लॉथ टू एनिमल्स हैं, तो आपको बताना है दोनों में से जो है स्लो मूव कौन से करते हैं। तो आपको क्या बताना है कि इस पिक्चर में जितने भी एनिमल दिए हुए हैं उनकी पिक्चर को देखना है और यहाँ पे सर्कल करना है, जो जो एनिमल स्लो मूव करता है उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो देखिए स्लोथ, स्लोथ क्या है, स्लोथ स्लो मूव करता है क्या, यस। टॉर्टोइज, टॉर्टोइज भी स्लो मूव करता है, इस पर सर्कल कर दिया। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन जो एच है इसमें आपको ऐसे वर्ड पे सर्कल करना है, ऐसी पिक्चर पे सर्कल करना है जो स्लो मूव, ऐसे एनिमल के वर्ड मीनिंग पे सर्कल करना है जो स्लो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, राइट देयर नेम एंड बेनिफिट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है कुछ फ्रूट्स और एनिमल्स की, आपको उनके नेम बताने हैं और उनके बेनिफिट्स राइट करने हैं। तो देखिए ये क्या है, टोमेटो, ये क्या है, टोमेटो। तो यहाँ टोमेटो की स्पेलिंग राइट करेंगे, टी ओ एम ए टी ओ ई एस, टोमेटोस। टोमेटोज का क्या बेनिफिट है, टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। टोमेटो जो होता है विटामिन सी का सोर्स होता है। ठीक है, टोमेटो, टोमेटोज आर रिच, टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, जो टोमेटो है उससे अपने को कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, ये पिक्चर किसकी है, ब्रिंजल की, किसकी है ये, ब्रिंजल की, बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल। ब्रिंजल से क्या बेनिफिट है, ब्रिंजल इज यूज्ड एज
यूज एज वेजिटेबल, जो ब्रिंजल है उसका अपन वेजिटेबल में यूज करते हैं, ब्रिंजल ब्रिंजल आर ब्रिंजल इज यूज्ड एज वेजिटेबल, यूज्ड एज वेजिटेबल। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, कैबेज। कैबेज का क्या यूज होता है, कैबेज हेल्प इम्प्रूव डाइजेशन। कैबेज जो है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। कैबेज क्या है, वेजिटेबल है, ठीक है, और ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो हम राइट करेंगे कैबेज, कैबेज हेल्प, कैबेज हेल्प्स इम्प्रूव डाइजेशन, इम्प्रूव डाइजेशन, ठीक है, इम्प्रूव डाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, एप्पल। एप्पल क्या वर्क करती है, एप्पल क्या है, फ्रूट है, और ये क्या वर्क करती है, एप्पल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन। एप्पल जो है वो आयरन का सोर्स होती है, इसका सोर्स होती है आयरन का सोर्स होती है, ठीक है। एप्पल से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। तो चलो, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल, एप्पल इज एन, एप्पल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्या है, बनाना। बनाना से हमें क्या बेनिफिट है, बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। बनाना जो है आयरन का गुड सोर्स है, बनाना, बी एन ए एन ए, बनाना, बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ, गुड सोर्स, गुड सोर्स ऑफ आयरन। बनाना जो है वो आयरन का गुड सोर्स है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, गिवन ब्लो इन ए पिक्चर ऑफ टू टर्टल फ्रेंड्स बेन एंड टेन। बेन गॉट इंजर्ड एज ई हॉल्ड इन ए पिट बीइंग ए गुड फ्रेंड। टेन केम एंड हेल्प हिम, टेन कैरीड बेन ऑन हिज बैक एंड टुक हिम टू द हाउस टू गिव फर्स्ट एड। कलर द पिक्चर एंड राइट टू लाइन्स अबाउट टेन। आपको क्या करना है, इस पिक्चर में कलर करना है। ये बेन और हेन, बेन और टेन जो है टू टॉर्टोइज हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक बार जो क्या हुआ कि बेन जो है वो कहाँ गिर गया, छोटे गड्ढे में गिर गया, तो बेन ने उसकी हेल्प की, उसे अपने हाउस में ले गया और फर्स्ट एड से उसका ट्रीटमेंट किया। तो आपको इनमें कलर करना है, और बेन और टेन के लिए आपको यहाँ पे फोर लाइन राइट करनी है, ठीक है। So it's enough for today's main topic, we will discuss in our next class. Thank you.